हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन चैप्टर में अपन ने आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अपने पास टॉपिक है, चैप्टर है सॉल्यूशन, उसका टॉपिक अपने पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, इससे पहले अपन थोड़ा सा एक बार वापस रिवाइज करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के लिए। आइडियल सॉल्यूशन के लिए अपन ने ये कहा था कि ऐसे सॉल्यूशंस जो किसी भी टेम्परेचर पर राउल्ट लॉ को फॉलो करें वो क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। और इसके लिए जो फाइव थिंग्स अपन ने डिस्कस की थी वो कौन कौन सी थी। फर्स्ट थी डेल पी इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट। सेकंड एंथैल्पी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स एनर्जी इज नॉट इवॉल्व नॉर एब्जॉर्ब बाय द प्रोसेस। थर्ड डेल बी मिक्सिंग ऑलवेज जीरो, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर इक्वल टू द सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। फोर्थ इज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन में मैंने ये कहा था कि ए ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन आर इक्वल टू ए बी इंटरेक्शन, दैट मीन्स सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर इक्वल टू द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। फिफ्थ था अपने पास फॉर्मेशन ऑफ एजिट्रॉप्स। और मैंने कहा था कि आइडियल सॉल्यूशन डज नॉट फॉर्म एजिट्रॉप मिक्सर, डज नॉट फॉर्म एजिट्रॉपिक मिक्सर। ओके स्टूडेंट्स, इसका वीडियो अपन आगे वाली वीडियो नेक्स्ट वीडियोस आ रहे हैं उनमें अपन डिस्कस करेंगे। तो ये अपन ने इसके बाद में था अपने पास एग्जांपल, जिसमें मैंने ये कहा था कि सेम सीरीज याद रखनी है। फॉर एग्जांपल एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन। ओके स्टूडेंट्स, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, बेंजीन एंड टॉलोविन एक्सेट्रा, साइक्लोहेक्सेन, इसमें आप ले सकते हो क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था अपने पास आइडियल सॉल्यूशन। अब अपन वापस डिस्कस करते हैं अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। ओके गाइस, अब देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते क्या हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? तो ऐसे सॉल्यूशन जो किसी भी टेम्परेचर पर राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो सॉल्यूशंस क्या कहलाते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो इसके लिए मैं लिख सकता हूं कि दो सॉल्यूशन विच कैन नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ एट एनी टेम्परेचर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा ऐसे सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ओके गाइस, अब देखिए इस नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो चेंज इन प्रेशर है डेल पी आर डज नॉट इक्वल टू सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 एंड P2 या ऑल कंपोनेंट्स, ये कह सकते हैं। सेकंड एंथैल्पी मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो, वॉल्यूम मिक्सिंग डज नॉट इक्वल टू जीरो, इंटरेक्शन बिटवीन AA BB डज नॉट इक्वल टू AB इंटरेक्शन, एंड दैट मीन्स सॉल्वेंट इंटरेक्शन डज नॉट इक्वल टू AB इंटरेक्शन। और फिर अपन बात करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की, जिसमें एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो कि दो तरह के होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड
मैक्सिमम बॉइलिंग एजियो ट्रॉफ। तो स्टूडेंट्स अपन ये पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। ओके, आगे देखिए, अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करें तो देर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। फर्स्ट इज पॉजिटिव डेविएटेड सॉल्यूशन एंड सेकेंड इज नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन। भाई पॉजिटिव डेविएशन वाला और नेगेटिव डेविएशन वाला नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन में अपन क्या डिस्कस करेंगे, वही सेम थिंग्स। फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे चेंज इन प्रेशर डेल पी आर ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट, या वी कैन से द पी वन इज ग्रेटर देन पी वन नॉट एक्स वन एंड पी टू इज ग्रेटर देन पी टू नॉट एक्स टू। सेकेंड थिंग, एंथैल्पी मिक्सिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स डेल एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव। द प्रोसेस इन दिस द प्रोसेस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, दैट्स वाई इट इज एंडो थर्मिक प्रोसेस। तो क्या होगा, इस जब डेलेज की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो एनर्जी क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो प्रोसेस कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। और यही रीजन है कि जब इसके इंटरेक्शन की बात की जाएगी तो ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन आर ग्रेटर देन द ए बी इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन आर ग्रेटर देन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। थर्ड, वॉल्यूम मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आर ग्रेटर देन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। फोर्थ इज फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रॉप्स एजियोट्रॉप्स। सो पॉजिटिव डेविटेड सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड मिनिमम बॉइलिंग एजियो ट्रॉप्स। ओके गाइस, अब देखिए इसके एग्जांपल अपन इसके डिस्कस करने के बाद में कर लेंगे। यहां देखिए, अगर नेगेटिव डेविटेड सॉल्यूशंस की बात करूं तो डेल पी इज लेस देन सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ पी वन एंड पी टू, दैट मीन्स द पी वन इज लेस देन पी वन नॉट एक्स वन एंड पी टू नॉट पी टू इज लेस देन पी टू नॉट एक्स टू। सेकेंड, एंथैल्पी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स डेल एच मिक्सिंग इज नेगेटिव। हियर द एनर्जी इज इवॉल्व, दैट्स वाई इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ये रीजन है कि नेगेटिव डेविटेड सॉल्यूशन के लिए जो इंटरेक्शन होता है ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन वो लेस देन होगा ए बी इंटरेक्शन के। नेक्स्ट, वॉल्यूम मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो सॉरी इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ओके गाइस, इंटरेक्शन की बात करें तो हियर ए इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन इज लेस देन ए बी इंटरेक्शन। यहां पर भी देखिए इंटरेक्शन के बारे में डिस्कस करें पॉजिटिव डेविएशन के लिए, तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए इंटरेक्शन क्या होगा, ए ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन आर ग्रेटर देन द ए बी इंटरेक्शन, दैट मीन्स सॉल्यूट सॉल्यूट
एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन ग्रेटर देन होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। तो यहाँ पे भी सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज लेस देन होगा एबी इंटरेक्शन के। तो देखिए आगे है अपने पास फॉर्मेशन ऑफ एजियोटॉपिक मिक्सचर। तो हियर इन द नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशन इट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स इज फॉर्म्ड। ओके गाइस, तो बात समझ में आ गई होगी। पॉजिटिव डेविएशन के लिए अपने को पांच थिंग देखनी है, कौन कौन सी है। पहली डेल्पी, दूसरा डेलेज मिक्सिंग, तीसरा वॉल्यूम मिक्सिंग, चौथा इंटरेक्शन, पांचवा फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ग्राफ्स की। पहले अपन पॉजिटिव डेविएटेड ग्राफ्स की बात करते हैं। अपन पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट लॉ इसके बात करें तो यहां जो ग्राफ बन रहा है वो देखिए, अपने पास दो कंपोनेंट थे, एक जिसका मोल फ्रैक्शन एक्स वन है और दूसरा जिसका मोल फ्रैक्शन क्या था, एक्स टू था। इस कंपोनेंट के लिए पार्शियल प्रेशर होगा पी वन और पार्शियल सॉरी वेपर प्रेशर पी वन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड इट्स मोल फ्रैक्शन। यहाँ क्या हो जाएगा, पी टू इज इक्वल टू पी टू नॉट एक्स टू। ये कंपोनेंट फर्स्ट की बात कर रहे हैं और यहां कंपोनेंट सेकंड बात कर रहे हैं। ये इंडिकेट कर रहे हैं किसको, मोल फ्रैक्शंस को, मोल फ्रैक्शन को। अब देखिए इस एक्स वन के लिए अगर मैं इक्वेशंस की बात करता हूं तो एक्स वन मोल फ्रैक्शन के लिए जो इक्वेशन थी अपने पास फ्रॉम द राउल्ट लॉ, पी वन इज इक्वल टू क्या थी, पी वन नॉट एक्स वन। तो ये डिनोट कर रहा है किसको, वेपर प्रेशर को। और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हुआ, पी पी वन नॉट। और ऐसे ही दूसरे कंपोनेंट के लिए जो वेपर प्रेशर होगा प्योर कंपोनेंट का वो क्या हो जाएगा, पी टू नॉट। अब देखिए अपन जानते हैं कि एक कंपोनेंट जो यहां से यहां इंडिकेट कर रहे हैं इस पॉइंट, देखो ये पॉइंट इस पॉइंट से देखो ये पॉइंटर ज्यादा है, हाइपर है इस कंपेरिजन के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस कंपाउंड इज हाईली वोलेटाइल कंपेयर देन कंपोनेंट फर्स्ट, यानी इनकी वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा होगी कंपेयर देन पी वन नॉट के। क्यों, क्योंकि ये हाईली वोलेटाइल होता है। अब देखिए अगर मैं बात करूं इक्वेशन पी वन इज इक्वल टू द पी वन नॉट एक्स वन की, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एम एक्स हो गया। तो एक्स और वाई के बीच में स्ट्रेट लाइन आएगी। तो अगर मैं बात करूँ स्ट्रेट लाइन की तो देखिए एक्स की अभी यहाँ एक्स वन की वैल्यू कितनी है, वन है। तो आफ्टर सम टाइम धीरे धीरे इसके मोल फ्रैक्शन क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। और एक टाइम ऐसे आएगा कि इसके मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, एक्स वन के मोल फ्रैक्शन कितने हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ ये जो इक्वेशन बनी वो किसके रेस्पेक्ट में बन गई, पी वन इज इक्वल टू पी वन नॉट एक्स वन के रेस्पेक्ट में बन गई। सेम एज इट इज अगर मैं एक्स टू की बात करूं तो पी टू इक्वल टू पी टू नॉट एक्स टू था, तो यहाँ वाई ये एक्स। ओके गाइस, तो अगर मैं यहाँ स्ट्रेट लाइन बनाता हूं तो देखिए इनिशियली एक्स टू के मोल फ्रैक्शन वन थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम द मोल्स ऑफ एक्स टू विल डिक्रीज एंड टिल इन द एंड ऑफ इट विल जीरो। तो लास्ट में क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो ये दोनों इक्वेशन आ गई और अपन ने पढ़ा है कि द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर पी वन एंड पी टू आर इक्वल टू द डेल पी। ये तो अपन ने किसमें पढ़ा था, आरडी सॉल्यूशन में। अब देखिए अपन पढ़ रहे हैं डेविएशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं पी वन और पी टू की बात कर रहा हूं तो इनके जो वेपर्स बनेगी, वेपर्स बनेगी वो क्या होगी, ज्यादा बनेगी। तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। देखिए कैसे, अगर मैं सपोज करो एक्स वन की वैल्यू जिसे कंपोजिशन है, इसका कंपोजिशन है 0.95 और इसका कंपोजिशन कितना है 0.05। आप एग्जांपल ले सकते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर में इथेनॉल प्लस वाटर का भी। तो यहाँ पर अगर मैं कंपोजिशन की बात करूँ तो ये 0.05 कम हो गया, एक्स वन कितना बच गया 0.95।
9:05 बज गया, इधर से अगर x2 देखें तो ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब इतना कंपोजिशन हो जाएगा 0.05। यहाँ इस कंपोजिशन के बाद फिर इस पॉइंट पर, तो ये 100% कंपोजिशन बन गया। तो इस पॉइंट पर अगर मैं इसके वेपर की बात करता हूँ तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो डेविएशन दिख रहा है आपको, वो डेविएशन क्या दिख रहा है, पॉजिटिव डेविएशन दिख रहा है। तो सेम एज इट इज इसमें बन जाएगा ये पॉजिटिव डेविएशन, और इसमें भी बन जाएगा। तो इस तरह का जो डायग्राम बन रहा है वो डायग्राम किसका बन रहा है, पॉजिटिव डेविटेड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो बात समझ में आ गई होगी इक्वेशन की। यहाँ आप लिख सकते हो पी वन नॉट क्या, तो यहाँ क्या जाएगा, पी टू इजल टू पी टू नॉट एक्स टू के रेस्पेक्ट में हो जाएगा। अब बात करते हैं अपन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के डायग्राम की। देखिए नॉन आइडियल में क्या, सॉरी नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि जो डेविएशन वेपर प्रेशर बन रहा था, ये जो डेविएशन शो हो रहा था वो क्या जाएगा, इस लाइन से क्या हो जाएगा, नीचे जाएगा। ठीक है, ये पी वन नॉट के हो गया, ये वेपर प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पी टू नॉट हो गया। ठीक है, ये एक्स वन इजल टू वन एक्स टू इजल टू जीरो, यहाँ एक्स टू इजल टू वन एक्स वन इजल टू जीरो, ये पी वन हो गया, डेट मीन्स पी वन इजल टू पी वन नॉट एक्स वन हो गया, और ये हो गया पी टू नॉट पी टू इजल टू पी टू नॉट एक्स टू, और ये टोटल डेल पी हो गया विच इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ पी वन एंड पी टू। अब जब नेगेटिव डेविएशन होगा तो क्या होगा, ये डेविएशन इस तरह से शो होगा। ये कैसे होगा, ये भी डिस्कस कर रहे हैं अपन अभी। देखिए मैं नेगेटिव डेविएशन के लिए एग्जांपल की बात करूं नाइट्रिक एसिड एंड वाटर की। ठीक है, अगर मैं नाइट्रिक एसिड की बात करता हूँ जिसका 68% होता है और वाटर का 32% होता है, अगर मैं कंपोजिशन इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो 0.68 लिख सकता हूँ और इसको 0.32 लिख सकता हूँ। अब देखिए अगर मैं एक तरफ नाइट्रिक एसिड ले लूँ और एक तरफ ले लूँ मैं वाटर, अब देखो नाइट्रिक एसिड के रिस्पेक्ट में देखें, जो वेपर प्रेशर की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ से मैं चला तो ये 0.68 यहाँ पर आ गया, और अगर मैं वाटर के रिस्पेक्ट में देखूँ इधर से तो ये वाटर यहाँ पर आकर के ये 0.32 बच गया। तो इस पॉइंटर पे क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो डेविएशन है वो क्या होता जा रहा है, लोअर आ रहा है, दैट मीन्स नेगेटिव शो कर रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो जिस पॉइंटर पे इसका कंपोजिशन 100% हुआ वहां पर ने क्या चेक कर लिया, वेपर प्रेशर चेक कर लिया कि जो मिक्सर बन रहा है उसका वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, आई बात समझ में। तो ये जो डेविएशन शो कर रहा है वो कौन सा हो जाएगा, अपना नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। ओके गाइस, अब अपन बात करते हैं एग्जांपल्स की। देखिए पहले बार बात करें पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स की, तो यहां पर अपन लेते हैं एग्जांपल इथेनॉल एंड वाटर ले लेते हैं, इथेनॉल एंड एसीटोन ले लेते हैं, ऐसे ही CH2 कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन। ठीक है, और भी एग्जांपल एक बेंजीन एंड एसीटोन C6 एंड एसीटोन का। ऐसे नेगेटिव डिविजन्स की बात करें उनके जो एग्जांपल होंगे उसके एग्जांपल हो गए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हो गया एक तो फिनोल एंड एनिलीन, इसके बाद में हो गया एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म का मिक्सचर हो गया, इसके बाद में हो गया नाइट्रिक एसिड एंड वाटर हो गया, HCl भी ले सकते हैं यहाँ पर अपन, HCl एंड वाटर ले सकते हैं, क्लोरोफॉर्म एंड नाइट्रिक एसिड भी ले सकते हैं। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएटेड सॉल्यूशंस के। ओके गाइस, ये अपने पास वॉल्यूम नंबर जिसको अपन पार्ट नंबर 8 कह सकते हैं, ये सॉल्यूशन का पार्ट नंबर 8 था। नो आप अपने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ओके गाइस, थैंक यू।